एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे दिन है सोमवार और टाइम अभी पांच बज गए हैं सो बस आज मैंने पहनी हुई है साड़ी तो आज सोमवार है और सोमवार के दिन में रखती हूँ फास्ट तो बस अब जो है आज मुझे साड़ी पहनने का मन हुआ और बस आज जो है मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ ससुराल या मायके मेरा काफी ज्यादा मन था इस मंडे को जो है मंदिर जाने का पर बस मेरे हस्बैंड को आज जो है टूर पे जाना पड़ा है तो इसलिए ना काफ़ी लेट आएंगे तो देखते हैं आप जो है ना नई साल में ही दर्शन करने के लिए जाएंगे भगवान के सच बताऊ काफी टाइम हो गया है मैं मंदिर नहीं गई हूँ और बस आज मेरा काफी मन था सो मैंने साड़ी पहनी हुई है और ये मेरी फेवरेट साड़ी है तो शादी के बाद सबसे पहली साड़ी मैंने यही खरीदी थी और ग्यारह साल से ना काफी संभाल के रखी हुई है हाँ और बुक दे रहे हैं मेरी ठंडी है तो यहाँ पर जैकेट तो पहनना ही पड़ेगा क्योंकि अभी अच्छी खासी यहाँ पर सर्दी पड़ रही है और चलिए फिर आप जो है घर के काम शुरू करते हैं और टिक्की भी हमारे सोकर उठ गए हैं रोज में से सारी चीजें निकाल निकाल के रख रहे हैं सो ये हमारी फैमिली फोटो बेटा नहीं आप देखें सोफे पे चढ़ के कहा से कहा जो है ना हमारे टिक्कू सामान निकालते हैं तो बस इन्हें यही देखना पड़ता है टिक्कू बहू है ना नहीं बेटा उधर नहीं चढ़ कितने रुपए चौदह रुपए नहीं टिक्कू बता रहे हैं कि एक और मतलब ये वाला जो है ना पुराना रिमोट है टीवी का और एक और है तो वह सामान्य टिक्कू कह रहे एक और टिक्कू का एक और चलो भाई चलो तो टिक्कू तो यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ निक्कू की डांट क्योंकि इसने स्वेटर भी नहीं पहना है और साथ में ही देखिए कैसे नीचे है ना ठंडी ठंडी टाइल्सों पर लेट जाता है क्योंकि कारपेट इतना मोटा नहीं है और अभी अच्छी खासी सर्दी भी पड़ रही है तो बस इन्हें जो है ना कभी कभी डांटना ही पड़ता है और पता नहीं निक्कू को स्वेटर पहनना क्यों नहीं अच्छा लगता है जब सर्दी नहीं हो तो ये स्वेटर पहनता है और जब सर्दी हो ना तो ये स्वेटर नहीं पहनता हमेशा ऐसे ही करता है और बस यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और टाइम अभी शाम के साढ़े छः बज गए हैं तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पर ये पलंग पर ना बेडशीट लगा देती हूँ तो यहाँ की बेडशीट आज जो है मैंने धुली हुई थी तो बस इसीलिए जो है इसको यहाँ पर मैं बिछा देती हूँ और साथ में ही टाइम ना अभी साढ़े छः ही बज रहे हैं तो बस पाँच मिनट रह गए हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है और ये निक्कू को बस जो है ना ज़बरदस्ती मैंने ये जैकेट पहना दिया है और इसके बाद यहाँ पर ये पपीता रखा हुआ था तो बस मैंने उसको कट कर लिया है साथ में ही जो है यहाँ पर अम रूद रखे हुए थे तो जाम भी कहते हैं यहाँ पर तो उनको जो है ना मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल के रख दिया था दो से तीन घंटे पहले तो इसलिए जो है ना काफ़ी लेट हो गया है पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए ना कट करके खा रही हूँ और साथ में ही निक्कू भी खाने बैठ गए क्योंकि इन्हें भी जो है ना जाम बहुत अच्छे लगते हैं और इसके बाद बस किचन में आ गई हूँ तो अब करूँगी खाने की तैयारी और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं आज टूर पर तो उन्हें आने में जो है साढ़े दस बज जाएगा तो मैं यहाँ पर जो है ना सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ साथ में ही जो है रोटियाँ सेक लूँगी तो आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी साथ में ही गोभी की सब्ज़ी तो दो दो सब्जी मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को फूल गोभी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है तो बस फूल गोभी की सब्ज़ी अपने लिए बना लूँगी साथ में ही कद्दू की और मुझे ना फूल गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है तो बस कभी कभी सब्जी के लिए हमारा काफ़ी झगड़ा होता है और हसबैंड ना ये फूल गोभी लेकर नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है तो लेकर आओ और यहाँ पर ना ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं इसलिए न जो है ना पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही हूँ और और यहाँ पर ना बस कद्दू को कट कर लूँगी तो कद्दू का जो छिक्कल है वो हरा था तो मैंने इसलिए इसे छिक्कल सहित काट लिया है और कभी कभी जो है ना कद्दू का छिक्कल अगर पीला होता है तो उसे मैं निकाल देती हूँ पर हरा कद्दू जो है अच्छा बनता है साथ में इसका छिक्कल काफ़ी नरम होता है तो मैं छिक्कल सहित ही बना लेती हूँ और यहाँ पर बस दोनों गैस पर मैंने सब्जी चढ़ा दी है तो एक गैस पर मेरी फूल गोभी बनेगी साथ में ही दूसरी पर जो है कद्दू की तो पहले इन्हें मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ ताकि अच्छे से गल जाए और अभी ना ट्स काफ़ी ठंडी हो रही हैं और ये बच्चे ना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो इसीलिए ना ये कारपेट में एक और एक्स्ट्रा बिछा देती हूँ क्योंकि ये लोग ना नीचे ही बैठते हैं कारपेट पर नहीं खेलते हैं और जैसे जैसे जो है नाइट बढ़ती जाती है वैसे ही ना काफ़ी ठंडक होती जाती है और रूम का गेट भी मैं अभी इसीलिए लगा देती हूँ क्योंकि रूम से ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं क्योंकि वहाँ पर विंडो है मैं विंडो भी बंद कर देती हूँ फिर भी जो है ना वहाँ से हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा आती ही रहती है तो इसीलिए जो है बस मैंने यहाँ पर कारपेट बिछा दिया है तो देखिए दोनों यहाँ पर खेलने लगे हैं और साथ में ही ना बालकनी के जो गेट पर जो पर्दा लगा हुआ है तो उसे भी काफ़ी अच्छे से लगा देती हूँ क्योंकि सर्दियों के मौसम में कहीं से भी ना हल्की हल्की हवा आने ही लगती है और यहाँ पर बस दोनों को मैंने बैठा दिया है ये यहाँ पर खेलेंगे तब तक मैं जो है ना किचन के काम निपटा लूँगी तो बस अब टिक्कू जो है काफ़ी अच्छे से खेलने लगे हैं बस इसे जो है ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ता है और काम जो है ना मैं काफ़ी आसानी से कर लेती हूँ क्योंकि निक्कू के संग ना काफ़ी अच्छे से खेलता है टिक्कू और यहाँ पर बस कद्दू मेरा अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं साथ में ही गोभी भी मेरा काफ़ी अच्छे से तल गया है तो यहाँ पर बस जो है ना इसमें भी सारे मसाले ऐड कर दूँगी और गोभी में मैं टमाटर भी ऐड करूँगी और तेल में मैं आधे पकने तक जो है ना सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ ताकि मसाला डालकर ना काफ़ी अच्छे से मसाले में भी ये सब्ज़ियाँ भुन जाती हैं और सच बताऊँ काफ़ी अच्छी बनती हैं और इसके बाद बस यहाँ पर मैं अच्छे से पूरे स्लैब को साफ़ कर दूँगी और साथ में ही बस मेरे बर्तन भी जो निकले हैं तो उनको भी फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ और बर्तन क्लीन करने के बाद बस यहाँ पर जो है मैं आटा गूंध लूँगी साथ में ही मेरी सब्ज़ियाँ जो है ना भुन रही हैं तो मैंने इन्हें बिल्कुल सिम गैस पर रखा है ताकि मसाले में काफ़ी अच्छे से भुन जाएँ और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जैकेट पहन करना मुझसे काम इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बार बार जो है ना मुझे ये ऊपर करनी पड़ती है और मेरे पास में ना टिक्कू खेल रहे हैं इसीलिए ना उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी तो बस उसे ना खेलने के लिए बिठाना पड़ता है तभी ये जो है मुझे बॉइस ओवर करने देता है साथ में ही अभी थोड़े से निक्कू के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसी ना मैं अभी अपना काम टाइम पर नहीं कर पाती हूँ और यहाँ पर देखिए ये मेरी कद्दू की सब्जी बन गई है तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से भून लिया है और साथ में ही ये गोभी तो गोभी को अभी पाँच से दस मिनट और लगेगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है और साथ में भी टमाटर भी काफ़ी अच्छे से गले नहीं हैं तो बस यहाँ पर जो है कद्दू की सब्ज़ी मेरी बन गई है पर मैंने अभी जो है गोभी की सब्ज़ी को थोड़ा और पकाऊंगी और इसके बाद बस फटाफट से यहाँ पर जो है ना खाने के लिए पराठे सेक लूँगी तो यहाँ पर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए ही बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड आएँगे लेट तो जब वो आएँगे तभी उनके लिए ना गरम गरम बना दूँगी और अगर जो है मैं पहले से ही बना कर रख दूंगी तो मुझे फिर से गर्म करने पड़ेंगे और जो है खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेंगे इसीलिए मैं हमेशा जो है अगर मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो रोटियां मैं उसी टाइम गरम गर्म सेक देती हूं क्योंकि रोटियां सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और यहाँ पर देखिए बस ये हमारा खाना है तो गोभी की सब्ज़ी कद्दू की सब्ज़ी और साथ में ही सेब और अचार सो तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए और टाइम अभी रात के साढ़े दस बज गए हैं तो बस मेरे हस्बैंड दस बजे आ गए थे और खाना वगैरह खा लिया है तो बस उन्हें चाय पीनी थी तो मैंने जो है चाय बना ली क्योंकि मैंने भी नहीं पीती और सर्दियों के मौसम में सच बताऊँ तो चाय बहुत अच्छी लगती है तो हम लोग यहाँ बैठ चाय पी रहे हैं और ये टिक्कू ना यहाँ मोबाइल चला रहे हैं और निक्कू सामने बैठे हुए हैं तो बस यहाँ पर आज बैठकर सभी लोग बात कर रहे हैं और टीवी को ना हम लोगों ने ऑफ़ कर दिया है तो बस साढ़े दस ग्यारह बजे तक ही जो है हम लोग टीवी देखते हैं और यहाँ पर ये यह मोबाइल चला रहे हैं तो बस पापा कुछ पूछ रहे थे और निक्कू से मैं यही बोल रही हूँ कि बेटा एक से दो एग्जाम रह गए हैं तो बस जो है ना फटाफट से कर ले और ये मोबाइल में जो है ना कभी कभी गेम भी खेलता है तो इसीलिए ये मोबाइल छुपा के रख देती हूँ और देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं तो बस इनसे यही पूछ रहे हैं पापा कितना रह गया है तो बस निकू कह रहे हैं दो चैप्टर रह गए हैं मुझे उन्हें और कंप्लीट करना है और ये देखिए टिक्कू हमारे खेल रहे हैं और साथ में ये बैठे हुए हैं तो बस अभी रात के ग्यारह बज गए हैं तो चलिए फ्रेंड्स फिर आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर से मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय